स्वागत। रशिया युक्रेन वच्चेना युद्ध मामले जे सौथी मोटी खबर आवी रही छे ने अमे आपने सतत अपडेट्स आपी रह्या छे। युक्रेननी राजधानी कीवमां मोटो जे धड़ाको, कीव एरपोर्ट पर मोटो धमाको थयो छे। मेलिटोपोल शहर पर रशियानो जे कब्जो, रशियाए आ कब्जानो दावो कर्यो छे। एक पछी एक 50 जेटला धड़ाका सतत थई रह्या छे अने रशियन आर्मी छे ए कीवमां जेणे घुसी चुकी छे अने अत्यारे जे परिस्थिति त्यानी जोवा मळी रही छे तेने लईने सतत अपडेट्स अमे आपना सुधी पहोंचाडी रह्या छे। त्यारे आ पहेला पण एकवार त्यां प्रतिनिधि मंडळने आमंत्रण आप्युं हतुं युक्रेनना राष्ट्रपतिए, परंतु तेमणे एवुं कहेवुं छे कि ज्यारे युक्रेन संपूर्णपणे घूंटणीए पड़शे त्यारे ज वातचीतथी तेनो उकेल आवशे। युक्रेन अने रशिया वच्चे युद्धनी आ सौथी मोटी अपडेट। अमेरिकाए आपेलो प्रस्ताव युक्रेने ठुकराव्यो छे। अमेरिकाए युक्रेनना राष्ट्रपतिने कह्युं के देश छोड़ी दो। युक्रेनना राष्ट्रपतिए कह्युं के मने बॉम्ब, गोळो अने हथियार जोईए छे, हुं कोईपण हालतमां देश छोड़ीने नहीं भागुं, हुं भागेडुमांथी नथी। युक्रेनना राष्ट्रपतिनो आ वीडियो सामे आव्यो छे। तेमणे कह्युं के मने साधनो जोईए छे, सवारी नहीं, मदद करवी होय तो हथियार आपो। अगाउ पण युक्रेनना राष्ट्रपति भावुक थया हता अने अगाउ पण कह्युं हतुं के दुनियाए मने एकलो छोड़ी दीधो छे, रशियाना निशाने सौथी पहेला हुं अने पछी मारो परिवार, हुं अने मारो परिवार गद्दार नथी, देश नहीं छोड़िए। युक्रेनना कीवना राष्ट्रपति युक्रेनना राष्ट्रपतिए आ वीडियो शेर कर्यो छे। Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам. तो एक्सक्लूसिव दृश्य में आपने बताई रहा छे कि युक्रेन में कई परिस्थिति छे। तमे त्यां जो त्यां बॉम्ब धड़ाका अने तेना जे दृश्य सामे आवी रह्या छे। युक्रेनी प्रजा छे हाल एक हली गई छे, भयमां जीवी रही छे। ज्यां जुओ त्यां रोड रस्ता पर युक्रेनना डरावनारा दृश्यो छे अने युक्रेन एरपोर्ट पर जे धड़ाको थयो, आवा केटलाय धड़ाकाओ सतत त्रण दिवसथी थई रह्या छे अने जे वीडियो पण सामे आवी रह्या छे अमे आपना सुधी पहोंचाडी रह्या छे। परिस्थिति अने त्यांना दृश्यो छे એ વિચલિત કરી શકે છે, પરંતુ હાલ તો યુક્રેન માટે માત્ર ને માત્ર એક પ્રાર્થના થઈ રહી છે, કારણ કે આ યુદ્ધ છે અને યુદ્ધથી સમાધાન ન થઈ શકે। અને જે દ્રશ્યો અને કેટલાક લોકો છે યુક્રેનના કે જેઓ હોર્ડિંગ્સ લઈને ઊભેલા છે અને તે લોકો કોઈને કોઈ રીતે એક મેસેજ પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે હવે યુદ્ધ બંધ કરો, યુદ્ધ માત્ર વિનાશ વેરે છે। અને વિનાશક તસવીરો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે ઝી 24 કલાકના ટીવી સ્ક્રીન પર। અને આવી તો કેટલીય તસવીરો છે અને આજે મહાયુદ્ધનો આ ત્રીજો દિવસ છે અને આ ત્રીજા દિવસે ના અમેરિકા યુક્રેનની સાથે છે કે ના નાટો, અને જે પરિસ્થિતિ છે યુક્રેન એકલા હાથે આ યુદ્ધ લડી રહ્યું છે। રશિયા અને યુક્રેનના યુદ્ધની પડે પડની ખબર અમે આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે। यूक्रेन और रशिया का जो मसला है, ये मसला बातचीत से सुलझाया जाएगा, मगर बातचीत किस बेसिस पर होगी ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रशिया तो मानने वालों में से नहीं है कि यूक्रेन ने अगर नेटो ज्वाइन किया तो रशिया फुल फ्लेज्ड अटैक करेगा। लेकिन ये जो फिलहाल जो भी चल रहा है सिनारियो है, वो फुल फ्लेज्ड अटैक नहीं है रशिया का। रशिया छोटे छोटे पॉकेट्स पर अटैक कर रहा है और आखिर उसका टारगेट कीव है। अगर फुल फ्लेज्ड अटैक होता तो सिनारियो कुछ अलग होता, और इसीलिए काफी कैलकुलेटेड अटैक्स रशिया कर रहा है। और भारत के जो लोग हैं वहां पर, उनको बहुत जल्द हम लोग इवैक्यूएट करेंगे, ऐसी गारंटी भारत सरकार की तरफ से दी गई है। उनको कहा गया है कि आप करीबी देशों तक चल के आइए और वहां से फिर इनको एयरलिफ्ट किया जाएगा।
किसी भी देश की राजधानी को कैप्चर करने के बाद ही युद्ध जीता जाता है, क्योंकि जब राजधानी युद्ध में गिर जाती है इसका मतलब कि पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया। और इसीलिए रशियन सेना ये कीव की तरफ आ रही है, काफी करीब पहुंच गई है कीव के। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि यूक्रेन ने ऑफर किया है कि हम टॉक्स करना चाहते हैं, ये अच्छी खबर है। रशिया ने भी थोड़े से पॉजिटिव साइंस दिखाए हैं, देखते हैं कि ये कैसे मसला हल होता है। રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેની જે પરિસ્થિતિ છે તેને લઈને યુક્રેને તો એવી વાત કરી છે કે આપણે વાતચીત કરીએ અને આ જે મામલો છે તેનો અંત લાવીએ। તો સામે રશિયાએ પણ એક પોઝિટિવ સાઇન આપી છે, પરંતુ આ બધાની વચ્ચે જે યુક્રેનની રાજધાની છે કીવ અને ત્યાં સતત રશિયન જે આર્મી છે તે સતત તેના પર કબજો કરવાના પ્રયત્ન કરી રહી છે।